क्या नाम है आपका? जी, जो घटना हुई है आपके पड़ोस में पड़ोसियों के साथ, क्या मामला है? जी मामला है कि काम करने जाती थी, हमारे देवर भी लगते हैं और बहुत बढ़िया लड़का था, कभी नमाजी परे भी था, हमारे आदमी से कहता था नमाज पढ़ने जाओ, उनके घर वाले बहुत अच्छे थे और उनको बेचारों को क्यों मारा, कोई बात थी? किसने मारा है? किसने मारा ये मालूम नहीं किसने मारा, पर जिस उन्होंने मारा ही है किसी ने, हम तो बस्ती पड़ोस के थे, पर उनको मारने नहीं चाहिए था, ये देखने चाहिए कि कोई दंगल भी कर रहा था उसकी घर शिकायत कर देते, ये मर जाते, और हमारे सब तरफ हिंदू मुसलमान हम सब भाई भाई हैं, कभी आपस में तुम्हारी कोई तकलीफ हो या कोई वो हो, हम तो हमें कहो हमारे बच्चों को ऐसी मार मत लगाओ कि वो बेचारा होश भी नहीं हो। आप पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हाँ तो ये कहना चाहते हैं कि भाई वो ठीक हो जाए, उसके घर घर पे देखो कैसे परेशानी है, कैसा इतना काम में धंधे बेचारे उसका भैया मारा मारा ढूंढ रहा है, कहीं सुनाई नहीं हो रही है, सुनाई करो उसकी कि वो बच्चा खड़ा हो जाए पैरों पे, हैं सब मिलजुल के रहो, क्या नाम है ये नहीं है कि क्या नाम है उसको इतना पैसा दे ला कहाँ से ला कहाँ से करे, दो दो बहन बेटी उसी बहने कहाँ से उनका खिलाया, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा उनको, उसके माँ बाप नहीं है, माँ बाप नहीं है, बच्ची भी बड़ी बड़ी है उनके साथ, अब वो बेचारी रो रही है ठीक रही है, क्या करा जाए भैया तो परेशानी में डोल जाए, कोई ऐसे है नहीं है साथी क्यों। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कामिल है, समाज से। आज आप पलटेट में आएंगे, मामला क्या? मेरे संज्ञान में आया था कि भाई जो है कुछ दूसरे धर्म के लोगों ने जो है ऐसा मामला कर दिया मोहम्मद सिंह का, तो मैं जो इनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या मामला कर दिया है? मामला घटना क्या हुई है? कारखाने में बैठा हुआ काम कर रहा था बता रहे हैं, और कारखाने में घुस के उन्होंने धर्म के मामले को लेकर मुस्लिम है ये, और उस मामले को लेकर और कटुआ बटुआ कहते हुए जो है उसकी जो है बहुत बुरी तरह जो है मारपीट करी है। कितने लोग शामिल हैं इसमें? बताया जा रहा है कम से कम 20 से 30 लोग शामिल हैं, और मैंने उसकी हालत देखी बहुत गंभीर हालत है, उसको होश नहीं है। अंदाजा क्या लगा सकता किस चीज़ से मारा? चोट को देखते हुए तो लग रहा है होकियों से सरियों से मारा है उसको, क्योंकि सर में और बदन में बहुत चोट है। आपने थाने में कही थी? थानेदार महोदय ने जो है मेडिकल तो करा दिया इसका, लेकिन इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी है, बल्कि इनके खिलाफ 354 का मुकदमा दर्ज करा दिया। मैंने ये देखा है जब भी वो ब्लिंचिंग की जाती है तो कोई ना कोई जो है बचाव के लिए आड़ रखते हैं, ये कहते हैं कि भाई चोरी की गई है, छेड़ाछाड़ी की गई है, या कुछ भी जो है बचाव का जो है अपने आड़ रखते हैं, बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक समाज से भी हैं, ऐसी मामले की घटनाएं जो होती रहती हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, पुलिस को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा इस मामले में, क्योंकि सुनाई में ये भी आता है कि साहब मिली भगत होने के कारण जो है उठने बैठने के कारण सलाम के कारण पुलिस जो है नज़रअंदाज करती है कि मामले को दबाने की कोशिश करती है। तो आप कलेक्ट्रेट में न्याय के लिए किसके पास आए? मैं कप्तान साहब के पास आया हूँ, कप्तान साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जो संबंधित अधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कार्रवाई का, और हमें पूरी उम्मीद है इनसे कि कार्रवाई होगी। अगर आपको यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो आप लोग क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा जो संगठन है वो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, फिर लड़ेंगे इस न्याय के लिए, क्योंकि हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं यहाँ पर, ये मुल्क हमारा भी है, जितना तुम्हारा है उतना हमारा है, हम तो भेदभाव रखते नहीं है, लेकिन न्याय के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो जाएंगे। आपको ये पता है कि इस पे तो कोई जात धर्म कभी कभी मोहम्मद सिंह ने भी दो साधुओं की हत्या कर दी थी, बुलंदशहर में भी ऐसा हो गया था, कभी मुस्लिमों को मारा जाता है कभी हिंदुओं को मारा जाता है, कई जगह चाहे वो कोई भी लोग हों, मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, हमें तो जो है ये कहना है कि ये जो कार्य हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आप इसके खिलाफ हैं? जी मैं खिलाफ हूँ। भाई आप कलेक्ट्रेट आए, क्या मामला है? मेरे भाई के साथ मोम रिलेशन की गई है, मेरा भाई मजदूरी करने आ रहा था वहाँ पर, दो तीन दिन हुए हैं, दो साल से बाहर काम कर रहा था, लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहा था, तो वहाँ पर मशीन लगा 2 अगस्त के बराबर से मेरा भाई दो तीन दिन से मजदूरी करने आ रहा था, उसके साथ मोम रिलेशन की गई है, जाति पाति नाम के नाम पर बहुत बुरी तरीके से उसे उस टाइम उसे और सर्दियों से मारा, उसे बहुत सीरियस हालत है, आप देख लो चलते उसको होश नहीं है आज 4-5 दिन से। क्या नाम आपके भाई का? दानिश अली। कब की घटना है? जो है 27 तारीख की। आपने किसी थाने में कंप्लेंट कराई? पूरा थाने में कंप्लेंट दी थी, मेडिकल करा दिया उसका,
और क्या नाम दर्ज नहीं कर रहा, रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा, और उल्टा हमारे ऊपर ही मेरे भाई के ऊपर ही मुकदमा 356 का लगा दिया जो उनका होश में नहीं है। हमें पता नहीं है कि लगाया कि नहीं लगाया, वो तो नहीं लगा दिया, कन्फर्म हो गया। अभी मैं साहब से सामने बात करी है, अभी आप लोग मिले कि आज आए यहाँ पे अपने को लेके, और यार अभी यहाँ से कुछ काम बने हमारा। तो इंस्पेक्टर आपसे क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब ये कह रहे थे क्या नाम है, हमें मालूम है क्या लिखना, हमें पढ़ाओ मती। अच्छा, हमें पढ़ाओ मती। कितने लोग शामिल है इस घटना में मारने वाले? 25-30 जने। उसमें से किसी नाम आप लोग इसके संबंध बताए? नीला मान सिंह, विकास सरदार, सनो उनके वालिद। क्या कहना है इन लोगों को? इनका ये कहना है कि ये इन्होंने लिखवाया कि मेरे भाई ने छेड़छाड़ कर दिया, पहले कह रहे थे छेड़छाड़ करिए, फिर कहने लगे कमेंट कर दिए, इन्हीं के बयान बदलना। तब के मेरा भाई अंदर बैठ के यही काम कर रहा था, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से कारखाने में घुस के पूरी तरीके से बयान कर दिया। प्रशासन से क्या कहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं कि इंसाफ मिले हमें, हम तो इंसाफ के लिए आए हुए हैं, और जो उसको चोट लगी है उसका इलाज हो बढ़िया डॉक्टर के। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।